बुंदेलखंड को साधने की कोशिश में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चित्रकूट पहुंची, जहां उन्होंने प्रसिद्ध गजेंद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। घाट किनारे प्रियंका ने महिलाओं के साथ अपना शक्ति संवाद भी किया। चित्रकूट की लाइफलाइन माने जाने वाली मंदाकिनी नदी और नदी किनारे बसा राम घाट, जिसमें नाव पर सवार होकर प्रियंका गांधी महिलाओं से मिलने पहुंची थी। जो मंदाकिनी नदी है चित्रकूट के उत्तर प्रदेश के साइड से, वो मध्य प्रदेश के साइड में उनकी नाव चली गई है और वहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जमा हैं, जिनके साथ शक्ति संवाद करेंगी, उनके मन की बात जानेंगी और उनके बीच अपने विचार रखेंगी। तो लगातार महिलाओं को फोकस कर रही है उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी। यूपी के दौरे पर प्रियंका गांधी तमाम शिवालयों में जा रही हैं और चित्रकूट, जो धर्म नगरी जिसको कहा जाता है और जहाँ पर माना जाता है कि ये राम की तपोस्थली है, वहाँ पर प्रियंका गांधी पहुँच करके एक संदेश देने का प्रयास कर रही हैं। आप देखें तो सामने बड़ी संख्या में महिलाएं जमा हैं, जिनसे वो बात कर रही हैं, उनसे संवाद कर रही हैं। आयोजन था शक्ति संवाद का। दरअसल प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है और इसी के तहत चित्रकूट में शक्ति संवाद का आयोजन किया गया था। यहां महिलाओं ने भी बुंदेलखंड के विकास और कांग्रेस की सोच को लेकर प्रियंका से सवालों की झड़ी लगा दी। एक महिला कैंडिडेट अगर आगे आती है, एक महिला जो है आगे बढ़ के आती है, तो अपने आप ही महिलाओं का सम्मान बढ़ जाता है और महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल जाती है। जी हाँ, एक बार टाइम सबको दिया जाता है, एक बार हम उनको ला के और उनके ऊपर विश्वास करना चाहेंगे, उनसे हम बात करना चाहेंगे। यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा एक अलग तरह की राजनीति कर रही हैं। प्रियंका की ख्वाहिश पार्टी को यूपी की जनता से सीधे कनेक्ट करना है। शक्ति संवाद इसी कड़ी का अहम हिस्सा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चित्रकूट में रामघाट पर महिलाओं के साथ शक्ति संवाद कर रही हैं। आप देखें कि यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं जमा हैं, जिनको वो मौका दे रही हैं अपनी बात रखने का। अलग अलग क्षेत्रों से ये महिला हैं, कोई हाईकोर्ट में वकील है, कोई आंगनवाड़ी कार्य करती है, कोई कुछ काम करती है, कोई गृहिणी है। तो सभी महिलाओं से शक्ति संवाद के जरिए एक तरह का संवाद कायम करने का प्रयास कर रही हैं प्रियंका गांधी। इसके पहले प्रियंका गांधी चित्रकूट के प्रसिद्ध मत गजेंद्रनाथ मंदिर पहुंची, पुजारियों से जीत का आशीर्वाद लिया। यूपी की राजनीति में बुंदेलखंड कितना अहम है, इसे इस तरह से समझना होगा। बुंदेलखंड में विधानसभा की 19 सीटें हैं। बुंदेलखंड में यूपी के 7 जिले झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट आते हैं। 2017 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बुंदेलखंड क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी से पहले सीट पर एसपी और बीएसपी का दबदबा रहा है। यूपी विजय के लिए प्रियंका की नजर इस बार महिला वोटरों पर ज्यादा है। प्रियंका ने इस बार चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का भी वादा किया है। दरअसल कई दशकों से यूपी में हाशिए पर पहुंची कांग्रेस को प्रियंका गांधी वाड्रा संजीवनी देने में जुटी है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी इस बार यूपी चुनाव को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।